अगला सबक है सातवीं जमात के लिए अपनी ज़बान का बी अम्मा। सबसे पहले इसके लफ्ज़ मुश्किल अल्फाज मानी कर लेते हैं। जद्दोजहद, शदीद और लगातार कोशिश, विलादत, पैदाइश, मनसबदार, अहदेदार, मुजालिम, जुल्म की जमा, ज्यादती करना, सताना, सुपुर्द करना, हवाले करना, तरबियत, परवरिश, रहन, रहन मतलब गिरवी किसी चीज़ को दूसरे के पास लेकर रखना, इकरार मानना, तस्लीम करना, जुर्रत, हिम्मत, इत्तेहाद, एक का मेल जोल, निगरानी, देखभाल, हिफाजत। अब इसमें लिखा है बी अम्मा हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बहुत बड़ा औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा मोहतरमा बी अम्मा का नाम फ़ख्र से लिया जा सकता है। बी अम्मा की पैदाइश 1852 में अमरोहा के एक रईस और मनसबदार ख़ानदान में। उनकी वालदा का नाम मुजफ्फर वालिद का नाम मुजफ्फर अली था और 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ के दरमियान अमरोहा भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ और अपनी हुकूमत कायम करेंगे। बचपन ही से भी अम्मा ने मुल्क की तबाही देखी थी, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ हुक्मरानों से नफरत हो गई। शोहर के इंतकाल के बाद बच्चों की निगरानी, तालीम और तरबियत भी अम्मा के ज़िम्मे थी, जिसके लिए उन्होंने जेवर भी रहन रखना पड़ा। वे चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेज़ों के जुल्म हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करें और उनकी मुबारक ख्वाहिश पूरी करें। आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों की उम्मीद को हिलाकर रखा। उन्हें अली बरादरान के नाम से भी जाना जाता। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कलम और ज़बान से आवाज़ बुलंद की। भी अम्मा ने भी अपने बच्चों के साथ रहीं और हौसला बढ़ाते हैं। जब अली बरादरान जेल में डाले गए और कुछ लोग अंग्रेज़ों से समझौते की बात करते तो अम्मा ने कहा, गवर्नमेंट ये जान लेके अपनी तकलीफ़ों को बचाने के लिए अगर अली बरादरान किसी एक बात का करार करेंगे जो उनकी मुल्की फ़ायदे का ज़र्रा भी खिलाफ हो तो उसी वक्त उन दोनों का गला घोट दूँ। बी अम्मा की इस बयान से उनकी हौसला मंदी और जुरायत, मजहब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ जाहिर होती है। मार्च 1992 में बी अम्मा की तबीयत ख़राब हुई, उन्हें अमरोहा से रामपुर लाया गया। अली बरादरान जब बी अम्मा को देखने रामपुर पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। जब बी अम्मा को इत्तला मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन पहुँची, फिर अपने बेटों के साथ दिल्ली आ गई। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपनी आँखों से देखें। आखिरी ख्वाहिश को लिए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुख्सत हो गई। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। इसके बाद सवाल मश्की सवाल जवाब ये कर लेते हैं। बी अम्मा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? बी अम्मा का ताल्लुक अमरोहा के रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से। अगला सवाल है इसके बाद, बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत किस बात से ज़ाहिर होती है? बी अम्मा के ख़ानदान ने 1857 में ये तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ के तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम करेंगे। अगला है अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर भी अम्मा ने क्या कहा था? अंग्रेज़ों समझौते की बात पर भी अम्मा ने कहा, अगर बिरादरान इस बात पर करार कर लेते हैं कि उनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदे के ज़रा भी खिलाफ हों तो उसी वक्त दोनों का गला घोट देंगे। चौथा है, शोहर के इंतकाल के बाद भी अम्मा ने बच्चों की परवरिश किस तरह की? शोहर के इंतकाल के बाद भी अम्मा ने अपने दोनों बच्चों की तरबियत इस तरह की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। पाँचवा सवाल है, अली बरादरान भी अम्मा से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या सुना? जब अली बरादरान भी अम्मा से मिलने रामपुर पहुँचे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोकिया। भी अम्मा उनसे मिलने लगे। भी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी क्या थी? भी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इतिहास को अपनी आँखों से देख लें। इसके बाद मुतजाद अल्फाज यानी अपोजिट, विलोम, जैसे आज़ादी का गुलामी, नफरत का मोहब्बत, इकरार का इनकार। इसी तरह अगले पेज पे भी है,
रईस का गरीब, शुरू का ख़त्म, मुबारक का नामुबारक, और इसके बाद है लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जो लफ्ज़ दे रखे हैं, जब बुज़ुर्ग हमें बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह सारे दे रखे हैं, सबके आपको बनाना है। खाली जगह में लफ्ज़ों लफ्ज़ से भरिए, यहाँ पे भरे हुए हैं पूरे लफ्ज़। इसके बाद जो है अमली काम है। अमली काम क्या है? इस सबक में एक मुरक्कब लफ्ज़ जैसे मनसबदार है, जिसके मानी अहदेदार, इसी तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर पांच अल्फाज बनाएं। तो यहाँ पे बना हुआ हकदार, ठीक है, वफादार, किराएदार, ठीक है, अहदेदार, अमानतदार, ईमानदार, अमानतदार भी अम्मा के बारे में चंद जुमले यहाँ से आप लिख लेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो ये पसंद आई होगी, और अगर अभी भी कोई डाउट है और समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट शेयर करें और बताएं हमारी वीडियो। थैंक यू।